नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोरोना महामारी की तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है। शहरों की तरह संक्रमण गांव में ना फैले, इसलिए गांव में टीकाकरण के लिए लोग स्वयं ही आगे आ रहे हैं। पूरे भारत में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव का सुरक्षा टीका 3 जनवरी से लगना शुरू हो चुका है। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन के निर्देश पर ग्राम छोटे डोंगर में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम व जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक दिन पहले ही व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। सोमवार को शाउमावी छोटे डोंगर के बच्चों में कोरोना टीकाकरण करवाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। शाला प्रबंधन समिति व स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए स्कूल पहुंची तो बच्चों में टीकाकरण को लेकर खुशी देखने को मिली। पहले दिन 400 बच्चों ने कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों ने कहा कि हमने कोरोना का पहला टीका लगवाया है, अब हम अपने आसपास क्षेत्र के लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे ताकि हमारे गांव मोहल्ले में कोरोना का संक्रमण ना फैले। कोरोना का टीका बिल्कुल सुरक्षित है और इसे लगवाने में हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। वहीं प्राचार्य संगीता यादव ने कहा कि टीकाकरण को लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। स्कूल के सभी बच्चे टीकाकरण करने के लिए स्वयं ही आगे आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि स्कूल में कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे। मैं कक्षा 12 का छात्र हूं। कोरोना का टीका लगवाया हूं मैं। बहुत अच्छा लगा। आगे आप अपने गांव में या मोहल्ले वाले को किस तरह से प्रेरित करेंगे? मैं अपने गांव वालों को बताऊंगा कि कोरोना का टीका सभी लोगों को लगवाना है, तभी सुरक्षित रहना है। मेरा नाम सागर साहू है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छोटे डोंगर का प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हूं। और यहां पर बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि सारे विश्व में वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन में जो बचे हुए थे वो अपने आप को सोचते थे कि हम वैक्सीनेशन हमको हमारा नहीं हुआ है। सरकार की अच्छी पहल है जो कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा ये वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी जो वेरिएंट आया है बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है और बच्चों को ही संक्रमित कर रही है। उस स्थिति में बच्चों को जो सरकार का योजना है उसमें बच्चों को जो लग रहा है बहुत अच्छा पहल है और बच्चे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि अपने आप को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। साथ में यदि अपने आप को सुरक्षित रखें तो स्कूल भी सुरक्षित होगा, इसलिए काफ़ी उत्साहित हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी बच्चों के समझाया गया था कि वैक्सीनेशन करवाना है, अपने आप को करवाना है, अपने पड़ोसियों को करवाना है, अपने माता पिताओं को भी समझाना है क्योंकि हम खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।